नमस्कार, मैं पीस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने पटना एयरपोर्ट पे बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि ये लोग हारने वाले हैं, और हारने वाले कभी ये नहीं कहते कि हम हार रहे हैं। ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। छपरा कांड को लेकर भी कहा कि ये लोग पंडित नहीं है, ये लोग इन लोगों ने ही हिंसा करवाया है। क्या कुछ कर रहे हैं जीतनराम मांझी, पहले आप उनके बयानों को सुने। हारने वाला कभी कहता है कब हार रहा है, वो कहता है कभी फिर पटक देंगे। क्या दिखा रहा है? एकदम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए उन लोग अब हिंसा का सहारा। अरे कुछ बनाओ सर, हेलीकॉप्टर में एक काटने से तेजस्वी यादव और कह रहे हैं दूसरों को मिर्ची का लग रहा है। किए थे तो हनीमून बनाए थे हेलीकॉप्टर में ही। छपरा में घटना घटी है सर, वो दुखद घटना है, और इससे में खास करके टेंशन फैलाना चाह रहे हैं। जो शांतिपूर्ण यहाँ चल रहा था लाइन का, इसको बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच हो, हम इसकी मांग करते हैं। और जो बेचारे मरे हैं परिवार के प्रति हम संवेदना। लालू जी की बेटी कह रही है कि बीजेपी के गुंडों ने ऐसा काम कराया है। अब वो कह रहे हैं कोई पंडित ना है, कहने से क्या होगा, वो करवाए हैं वो लोग और दूसरे लोग कह रहे हैं। लेकिन जांच हो रही है, जांच की बात आएगी तो पता चलेगा। तो आपने साफ तौर पर सुना जीतनराम मांझी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छी थी, लेकिन उसको बिगाड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इल्म का तेजस्वी यादव का आदत है, ये तो हनीमून भी अपना हेलीकॉप्टर में मनाए थे। वही आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कल अपना 200 से ज़्यादा सभा करने को लेकर मुकेश सहनी उनको केक कटवाते हुए वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर। इसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है और कह रही है कि तेजस्वी यादव अपना बर्थडे और शादी की जो पल है वो भी अपना हेलीकॉप्टर में मनाए थे, कोई नया नहीं है। लेकिन जीतनराम मांझी अब कह रहे हैं कि ये लोग पंडित नहीं है, इन लोगों ने ही हिंसा कराया है। हम जांच का मांग करते हैं, जो परिवार है उसके प्रति हम संवेदना जो है वो व्यक्त करते हैं। लेकिन लोग को बताना चाहिए, और जिस तरह से इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का कोशिश किया है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि बिहार में लोग लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा रखना नहीं चाहते। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तमाम ग्रुप में सब रहे हैं, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।